Finally, the morning breakfast is here with the parathas, with the coffee. It's a cappuccino. These are the sandwiches. I totally love their deck, how they have, you know, क्या कहते हैं उसको, they come out of words many time. जैसे इन्होंने रखा है इस चीज़ को, या कहूँ डिस्प्ले में रखा है, आई टोटली लव इट. Does it look nice? What do you want to try? French fries? और आउटसाइड व्यू के तो क्या कहने, इट्स एक्चुअली ब्यूटीफुल. सो वेल, आफ्टर द ब्रेकफास्ट दिस इज अ टाइम टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी. सो गाइस, हम एंटर करते हुए फिटनेस सेंटर में, जहाँ पर है गेम्स. इट्स एक्चुअली नॉट अ फिटनेस सेंटर, बट दिस इज अ गेमिंग जोन, नॉट अ फिटनेस सेंटर. यहाँ पर है कैरम बोर्ड, यू कैन प्ले टेबल टेनिस, और उसके साथ साथ आप पूल खेल सकते हो. सो कमेंट करके बताओ विच इज़ योर फेवरेट गेम. और बाहर तो बहुत ही बड़ा एरिया है, यहाँ पे कुछ सेक्शन में बुक्स भी है. तुम खेलना चाहोगे? हाँ, लॉन टेनिस की प्लेयर हूँ मैं, नेशनल. ऑब्वियसली यस, तुम मुझे कम समझते हो. स्टेट प्लेयर हूँ टेबल टेनिस का. मैं लॉन टेनिस की सर्विस करता है. और ये एंटर करते हुए हम इनके पार्क एरिया में, आई एम नॉट श्योर इनकी कितनी एकड़ की प्रॉपर्टी है, बट दिस लुक्स एक्चुअली वेरी ब्रेथ टेकिंग, क्योंकि बहुत शांति है इस जगह पे. मोटर की आवाज़ अवॉइड करना. अभी पता है सुबह के बज रहे हैं अराउंड 12:30 दिन के. अभी हमें 2:30 या 3 हम माता के लिए चढ़ेंगे. आई एम सो श्योर इट्स गोना बी अ ग्रेट एडवेंचरस फॉर टुडे. रमन अपने शॉर्ट्स ले रहा है, ऑब्वियसली हो गया. दिस इज़ अ स्विमिंग पूल. अभी तो स्विमिंग पूल में घुसने वाला टाइम नहीं है, क्योंकि इट्स राइट नाउ 20 degrees. घुस भी सकते हैं, लव्स टू स्विम. अभी इनका एक पूल ज़्यादा यूज़ में नहीं है, तो क्लीन नहीं है, वो बच्चों का पूल है. एंट्रिंग टूवर्ड्स द एरिया ऑफ चिल्ड्रंस प्लेस, आई मीन वहाँ पर झूले हैं, आई एम नॉट श्योर और क्या क्या है, चल के देखते हैं. वो दे हैव द बैडमिंटन कोर्ट एज वेल मेरे राइट साइड पे. सो गाइस, यहाँ पे इन्होंने प्लांटेशंस भी कर रखी है, बहुत सारे फ्लावर्स के, आप चेक कर सकते हो. एंड उसके अलावा मेरे सामने एक और जगह है, प्लस यहाँ पे बहुत सुंदर सिटिंग एरिया है. वहाँ पे सामने की तरफ मॉर्निंग का बुफे लगता है. इतने सारे मॉन्कीज, माई गॉड, हेलो मॉन्की. The best thing, we have the spa service, Tatva. Tatva is a very famous spa, अगर आपने इसके बारे में सुना हो. Tatva, अगर आप दिल्ली में भी जा रहे हो ना, सो वहाँ के भी ताज में आपको Tatva बहुत मिलेगा. सो आई थिंक इन्होंने Tatva को ना साइन करा हुआ है. दैट इज़ अ व्यू जहाँ से हम अभी भी वापस आए हैं शूट करके. और अब हम जा रहे हैं बुक करने अपने लिए कार फॉर लाइक जहाँ से हम मेन चढ़ेंगे. सो हमने मंगवाई है बिरयानी यहाँ की स्पेशल, एंड रमन इसको खोल नहीं पा रहा. हम ये खाकर बस हम दर्शन करने जाने वाले हैं, मतलब आई मीन कि हम चढ़ाई करने जा रहे हैं. रमन, यू कैन डू इट. 3, 2, 1, गो. वापस कुलशन को बुलाऊं तो छोड़ के गया प्लेट्स. यार बहुत गर्म है यार. अच्छा, एक्चुअली बिरयानी को कुछ इस तरीके से क्यों पैक करते हैं, आई एम नॉट श्योर. मैं ट्राई करती हूँ. हेलो, पकड़ो. पर से ऐसी तैसी हो रही है, नीचे लगाने की तुम बात ही नहीं पूछो. लेट्स ओपन द बिरयानी व्हिच वी जस्ट ऑर्डर्ड. इट्स लुक्स अमेजिंग, आई एम गोना ट्राई इट. आई गेस ये बहुत ही डिलीशियस होने वाली है गाइस. सो लेट्स जस्ट हैव बिरयानी टुडे. अच्छा, गुलाब जामुन किस किस को पसंद है? आई एम द फैन ऑफ गुलाब जामुन. इन्हें चॉकलेट्स नहीं मिलती. So we're gonna try biryani. I'm so excited. मैं आज बिरयानी पहली बार खाऊंगा. We are going to enter in presidential suit. Hi, Sri Matadi. This looks great, right? They have the kitchen with the fridge, even with the private balcony. जहाँ से आपका pool area visible है.
सो दिस इज़ एक्चुअली प्राइवेट, जहाँ पे आप किसको कहीं भी लेके जा सकते हो. दिस इज मूवेबल. लॉबी ओके. तो दिस इज अ लॉबी एरिया विद विंडो. अब ऐसे व्यू देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है. राइट, लेट्स गो टू डायरेक्टली द बाथ बेडरूम एंड द बाथरूम. And I'm gonna enter to the bathroom. Okay. My God, they have the jacuzzi. And even the shower is there. Aur uske alawa they have these towels. In towels ko kya kehte hain? Bathrobe. Yeah, I have. Tabhi to pucha. And this is the mirror. And all the basic utilities obviously are there. उसके अलावा cotton, cotton? Yeah. कोई suit टांगना है तो this is there. उसके अलावा इन लोगों ने दो room में use and throw slippers होते हैं वो. I just love this. Look at the bed, it looks amazing. This is sexy. And even with the views, यहाँ से भी आपको view दिख रहा है. So you know इसके इस room की specialty है कि वो सारी जगह से view दिख रहा है. आई जस्ट लव दिस रूम. और क्या कहते हैं, अगर आपको इनकी कॉस्ट जाननी है तो ऑब्वियसली आप इनकी वेबसाइट्स पर जा सकते हैं ताज की, एंड यू विल गेट एन आइडिया कि कितना आपको ये कॉस्ट करेगा. दिस पेंटिंग इज़ नॉन फॉर लाइक उदयपुर की ये पेंटिंग होती है, क्योंकि उदयपुर में आई गेस घोड़ा स्ट्रेंथ, हाथी इज सक्सेस एंड ऊट इज लव. हाँ, दिस इज़ अ पेंटिंग फ्रॉम द उदयपुर. सेइंग माय बाय टू विवांता, वी आर गोना गो. हम विवांता से कैब ली है जो कि हमें 560 रुपीज़ की पड़ी है. ये हमें छोड़ेगी और लेने आएगी. और हमारी गाड़ी खड़ी है विवांता में. एक्चुअली इस बार रमन की गाड़ी आई है. मेरी गाड़ी बहुत बीमार है, ठीक हो जाएगी, पर इस बार रमन की गाड़ी आई है हमारे साथ. सो गाइस, अब कुछ इस तरह के आईडी कार्ड मिलने लग गए हैं. कितने कॉस्टिंग लगी इसकी? फ्री. ये फ्री है? पहले 30 रुपये नहीं लगते थे, कुछ 10-20 रुपये. Identity. Okay. Finally reaching to the point, guys. यात्रा स्टार्ट कर दी है एंड ऊपर हमें 10 बजे से पहले पहुंचना है अगर हमें भवन में रुकना है तो, क्योंकि 10 बजे तक काउंटर बंद हो जाएगा भवन का. तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं आदकुंवारी एंड यहां से जो सनसेट का व्यू है इट इज मार्वेलस. फिलहाल पता है जो तुम वो वाली लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, यहां ट्रेन आती है. ट्रेन खड़ी हुई है? ट्रेन खड़ी हुई पता नहीं. फिलहाल हम ने खच्चर लिए थे सिर्फ आदकुंवारी तक, जो भी थे पोनीज लिए थे. और हम यहाँ से 350 की बैटरी कार चलती है, पर हम यहाँ से पैदल जाएंगे. बंद हो गई, वो भी 5 बजे बंद हो जाती है. हाँ हाँ, अच्छा ओके. पर हम पैदल जाएंगे भवन तक. मेरे तो टांग ऐसे ऐसी हो चुकी है, पर मज़ा आएगा चलने में. सो गाइस, बैटरी कार कुछ 354 रुपीज़ की पड़ेगी, जो कि लास्ट ट्रिप 10 बजे तक चलती है और 10 मिनट की वेटिंग है, जो कि वैलिड हो लिखी भी तो है, बट बहुत सारे लोग अभी तक वेट कर रहे हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि ये 10 मिनट में चलती है. आरती पूरे रास्ते सबसे बेस्ट बात है आपको सुनाई देती जब ट्रेल कर रहे होते हो, क्योंकि इनका जो स्पीकर्स है ना वो पूरे रास्ते लगे हुए हैं. So we took a break. हमने लिया मफिन और एक आलू पैटी. हमारा रास्ता अभी 3 किलोमीटर का बचा है. Hello, hi patties. So guys, जैसा कि साक्षी की सांस फूल चुकी है तो इसकी जगह मैं बोल रहा हूँ. अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये मजाक उड़ाता रहता है. अभी हमारे कुछ 250 किलोमीटर बाकी है, हम पहुंच ही चुके हैं. कितना? 250 मीटर. ठीक है, देखते हैं.
देखते हैं। सो गाइस अभी ना यहाँ पे इस टाइप का ये चलने लग गया, क्या कहते हैं इसको, पैडलर नहीं, ये बच्चों को, हाँ झूला नहीं, बच्चों को झूला नहीं होता, मैं खुद भूल रही हूँ, तो आपको क्या पता है तो कमेंट करके बताओ। इसमें आप मतलब यू नो आराम से ये बड़े एज के लोग भी लेके जाते हैं, मस्त एकदम मजे से। इस बार भवन में भीड़ कुछ कम है और हमने रूम लिया है, लेट्स सी हमें रूम मिल जाए। 120 की यहाँ पे गवर्नमेंट डोमेट्री का बेड है और अराउंड 700-800 का आपको रूम मिल जाता है, बट आप लकी हो तो। मैं सोच रही हूँ आज रात को भी दर्शन कराऊँ और ऑब्वियसली मैं कल मतलब कल भी दर्शन करूँ और आरती में बैठूँ। सो गाइस थोड़ा सा भवन से ऊपर आते ही यहाँ पे निःशुल्क मतलब फ्री सेवा है लॉकर की, जहाँ पे भीड़ नहीं होती और यहाँ बहुत सारे लॉकर्स हैं, बहुत सारे, वाओ। सो यहाँ पे बिल्कुल लाइन नहीं है, आई एम सो हैप्पी, बट हम रूम ले ही लिया जस्ट बिकॉज इट वॉज नॉट मतलब वर्थ, क्योंकि वो भैरव के रास्ते के बीच में था और हमें भवन वापस सुबह आरती देखने का मन था, सो हमने रूम नहीं लिया। तो गाइस दर्शन हम कर चुके हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर, जो है सिर्फ दो किलोमीटर का। साक्षी थक चुके हैं इसलिए बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हाथ गर्म करने की सेवा भी उपलब्ध है इस तरीके से। सो गाइस हमने भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए, इट टुक लाइक 2 मिनट्स और आज तो इतनी भीड़ है ही नहीं, वैसे भी नीचे भी भीड़ नहीं थी, सभी वो लकी। फाइनल नीचे आते हुए जहाँ रास्ता कुछ 2 किलोमीटर का बचा है और अमन अपनी बोतल भूल आया है कहीं पे, सो ही वी जस्ट गेस की कहाँ हो सकती है तो वो देखने गए। सो इस वक्त टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं सुबह के, घड़ी में दिख नहीं रहा होगा, तो सुबह के 4 बजने वाले हैं एंड इट्स 3:36।